CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी। दादाजी जंगल की सफाई की एक कहानी सुनाएंगे। आलेख अशोक गुप्ता का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो सब मुस्कुरा रहे हैं, क्यों ना मुस्कुराओ। दादाजी आने वाले हैं, तो आइए दादाजी, हमारे दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चों राम राम। राम राम दादाजी। राम राम। बच्चों तुम सबको कल की बातें याद है ना? हाँ दादाजी याद है। और बच्चों मुझे भी याद है, पूछो क्या याद है? क्या? हाँ, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, बस यही कि मुझे आज तुमसे कुछ बातें जो करनी हैं, हैं? अरे हाँ, खूब याद आया, एक कहानी याद आ गई। दादाजी कहानी याद आ गई? हाँ। तो सुनाइए ना। सुनाते हैं सुनाते हैं। तो बच्चों सुनो एक कहानी। जंगल था, उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। उसका नाम था छोटू। क्या नाम था भला? छोटू। हाँ, छोटू बहुत साफ सुथरा और होशियार था। उसे गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी। सुबह उठकर उसका पहला काम सफाई का ही होता था। हाथ मुंह धोना, दांत साफ करना, फिर घर में झाड़ू लगाना। वो अपने घर का एक एक सामान कपड़ा लेकर पहुंचता था। घर का सारा कूड़ा कचरा घर से दूर ले जाकर घूरे पर डाल आता था। इसके बाद वो नहा धोकर साफ सुथरा होकर साफ कपड़े पहनता था और फिर कुछ खा पीकर घूमने निकल जाता था। दादाजी खरगोश क्या खाता है? अरे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, खरगोश तो सब्जियां खाता है। खरगोश को लाल लाल गाजर, हरी हरी पत्ता गोभी, सफेद मूली या शलजम बहुत अच्छे लगते हैं। इन सब चीजों को खाने और खूब काम करने की वजह से छोटू खूब तगड़ा हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, जंगल के और दूसरे जानवर बड़े आलसी थे। सफाई में तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। छोटू ने जानवरों को कई बार समझाया, अरे भैया जंगल के इस कूड़े को घर के बाहर ना डालकर जंगल से दूर डाला करो। पर जंगल के किसी भी जानवर ने छोटू की बात पर ध्यान नहीं दिया। पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है, छोटू को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसीलिए छोटू को घर में रहने पर भी बहुत परेशानी होती थी। पूछो क्यों?
क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है? अरे भाई, जब सारे जंगल में बदबू फैल रही थी तो क्या वो बदबू छोटू के घर में नहीं पहुंच रही होगी? फिर घर चाहे कितना भी साफ हो, जब चारों तरफ बदबू फैल रही हो तो घर में कैसे बैठा जा सकता है? अब छोटू क्या करता? अपने घर में सफाई करने का भी कोई फायदा नहीं था। बाहर तो गंदगी थी। बेचारे ने जंगल के जानवरों को समझाने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन कोई भी अब गंदगी के इतने बड़े ढेर को साफ करने को तैयार नहीं था। छोटू को तो सभी धमका देते और उसकी अच्छी और सच्ची बात को हंसी में उड़ा देते। अब बच्चों तुम ही बताओ, छोटा सा खरगोश भला क्या करता? जब किसी ने नहीं सुनी तो गंदगी और बढ़ती चली गई। फिर जो होना था वही हुआ। क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, सब के सब बीमार हो गए। पूछो क्यों? क्यों? इसमें भला पूछने की क्या बात है? छोटू कहता थक गया। छोटू कहता थक गया? नहीं सुनता है कोई। नहीं सुनता है कोई। जहाँ जहाँ है गंदगी, जहाँ जहाँ है गंदगी वही बीमारी होए, वही बीमारी होए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी मेरे साथ साथ बोलो। छोटू कहता थक गया, नहीं सुनता है कोई, जहां जहां है गंदगी वहीं बीमारी होए। फिर क्या हुआ दादाजी? अरे ये तो अच्छा हुआ कि छोटू जंगल छोड़कर अपनी नानी के घर चला गया। क्या कहा? छोटू की नानी के घर चला गया? हाँ, जंगल में बीमारी फैल गई। बीमारी फैल गई? हाँ, अब तुम ही सोचो, जहाँ गंदगी वहाँ क्या होता है? सोचो सोचो। आप भी बताइए दादाजी। अरे भाई, जहाँ गंदगी होती है वहाँ होते हैं मच्छर मक्खी, समझे? इन मच्छर मक्खियों से ही फैलती हैं बहुत सी बीमारियाँ। ये मच्छर बहुत छोटे होते हैं, मगर ये जब काट लेते हैं तो बड़े हाथी को भी पछाड़ देते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं सुना रहा था छोटू की कहानी। कुछ दिन तो उन्होंने रो धोकर काटे। फिर एक दिन चिड़िया रानी छोटू के घर गई। उसने देखा छोटू जी तो लगे हैं अपने घर की सफाई करने में। तो चिड़िया बोली, ची 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 ची। क्या बोली चिड़िया? ची 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 ची। हाँ, वो बोली, छोटू भैया आओ बाहर। छोटू भैया आओ बाहर। जंगल में है सभी बीमार। जंगल में है सभी बीमार। चलो किसी डॉक्टर को लाएं। चलो किसी डॉक्टर को लाएं। देख दवा दे करे इलाज। देख दवा दे करे इलाज। प्यारे बच्चों, बोलो बोलो, तुम भी मेरे साथ बोलो, छोटू भैया आओ बाहर। जंगल में हैं सभी बीमार, चलो किसी डॉक्टर को लाएं। देख दवा दे करे इलाज।
तो बच्चों फिर क्या था? चिड़िया रानी और छोटू खरगोश दोनों जल्दी जल्दी डॉक्टर कालू भालू के पास पहुंचे। वहां उन्होंने उसे बताया कि डॉक्टर साहब, जंगल में मलेरिया फैल गया है, सभी जानवर बीमार हो गए हैं, आप जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। डॉक्टर कालू भालू ने जब ये बात सुनी तो वो फौरन अपनी दवाओं की पेटी लेकर उनके साथ जंगल की ओर चल दिया। डॉक्टर कालू भालू जब जंगल में आया और गंदगी देखी तो सब जानवरों को खूब डांट लगाई और बोला, ये सब क्या है, क्या है ये सब, क्या आप लोग सफाई नहीं करते? इस जंगल में सिवाय छोटू खरगोश के घर के और किसी का घर साफ नहीं है, इसलिए तो तुम सब बीमार हो। देखो, मैं तुम सबका इलाज इसी शर्त पर कर सकता हूँ कि तुम सब लोग न केवल खुद साफ सुथरे रहोगे बल्कि अपने घरों को और अपनी आसपास की सभी जगहों को साफ रखा करोगे। दादाजी, फिर उन बीमार जानवरों ने क्या कहा? अरे कहते क्या, बीमारी से इतने परेशान हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें चुपचाप मान ली और कहा, डॉक्टर साहब, अब हम वैसे ही साफ सुथरे रहेंगे जैसे छोटू खरगोश रहता है। फिर क्या हुआ दादाजी? अरे होना क्या था, सारे जंगल में सफाई रहने लगी, सभी पशु पक्षी साफ सुथरे रहने लगे। अरे हाँ, याद आया, मुझे भी तो अपने घर की सफाई करके नहा धोकर प्रार्थना के लिए मंदिर जाना है। अच्छा बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी, घर पे जाना। अरे जरूर आऊंगा दादाजी। राम राम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।